हेलो गाइस, आज हम लोग सेंट्रिफ्यूगल पंप पढ़ेंगे। क्या एक सेंट्रिफ्यूगल पंप क्या होता है? सेंट्रिफ्यूगल पंप का मेन यूज, जो मेन यूज है, वो प्रेशर को इंक्रीज करता है। पहले हम लोग इसके कुछ पार्ट्स के बारे में जान लेंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो दो पाइप आप देख सकते हैं। एक है सक्शन पाइप, एक है डिलीवरी पाइप। सक्शन पाइप वर्ड से ही आप इसको समझ सकते हैं कि ये पानी को सक करने के लिए है, और डिलीवरी पाइप पानी को डिलीवर करने के लिए। दूसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वो है इम्पेलर। इम्पेलर कुछ नहीं है, कुछ ब्लेड्स हैं जो एक शाफ्ट से कनेक्टेड होती हैं। जब ये शाफ्ट घूमता है तो ये ब्लेड्स भी घूमती हैं। उसके बाद एक केसिंग आती है जो उसको कवर करती है। इस पूरे पंप को एक केस में कवर किया जाता है, एक पूरी बाउंड्री जिसमें कवर किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं केसिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि पंप कैसे प्रेशर जनरेट करता है, तो क्या प्रोसेस होती है जिसके कारण पंप में प्रेशर जनरेट होता है। तो पहले क्या होता है, ये जो शाफ्ट है ये घूमना स्टार्ट करती है। जैसे ये घूमती है, यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। लो प्रेशर होने के कारण यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पानी के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो, पानी है यहाँ पे, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है। तो एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है, जिसके कारण यहाँ का जो पानी है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के कारण यहाँ से उठता है, क्योंकि यहाँ पे तो लो प्रेशर है। और हम जानते हैं कोई भी चीज हाई टू लो जाती है, तो ये पानी हाई टू लो यहाँ पे उठता है। इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन। यहाँ पे पानी सक होता है, सक होके पानी यहाँ पे इंपेलर पे पहुंच जाता है। उसके बाद पानी धीरे, पानी सक हो गया, अब पानी यहाँ से फिर इंपेलर जो ब्लेड्स है वहां से निकलना स्टार्ट होता है। जैसे पानी इंपेलर ब्लेड्स के पास पहुंचता है, तो ब्लेड्स काफी स्पीड से मूव करती रहती है, जो इस पानी को अपनी काइनेटिक एनर्जी और साथ ही कुछ प्रेशर एनर्जी देती है। अब जब पानी यहाँ पे आ गया है, तो पानी के पास और पानी ने इस ब्लेड से दो एनर्जी गेन की है। एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है प्रेशर एनर्जी। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि जब एरिया इंक्रीज होता है तब तब आपकी जो वेलोसिटी वो डिक्रीज होती है। और एनर्जी इक्वेशन इसमें अगर हम लगाएंगे, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। बर्नौली इक्वेशन से जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ये सिंपल सी बर्नौली इक्वेशन है, पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी। यहाँ आप देख सकते हैं जब प्रेशर, ये कांस्टेंट होता है, यहाँ आप देख सकते हैं जब जब प्रेशर जब जब वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी तो प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। इस इक्वेशन से आप इजीली देख सकते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे यहाँ पे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। और ये उसके बाद ये जो फ्लूड है, ये जो वाटर है, ये आपका केसिंग में जाता है। केसिंग को इस तरीके से अंदर डिजाइन किया जाता है, जहां पे एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाता है। सेम रीजन है एरिया मतलब बढ़ाने का, क्योंकि जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वेलोसिटी कम होगी, और जैसे आपकी जो वेलोसिटी है ये कम होगी, वैसे आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। और हमें प्रेशर इंक्रीज ही करना है। तो वाटर जैसे जैसे केसिंग से बाहर निकलता है, उसमें जो प्रेशर एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। और उसके बाद जो हाइट पे जहां पे हमें डिलीवर करवाना है, वहां पे वाटर को जाकर डिलीवर कर दिया जाता है। ये था कि पंप कैसे काम करता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग को देखने चाहिए, जो कुछ जो एग्जाम्स में पूछते हैं वो क्या है नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं कहूँगा हेड है, वो है सक्शन हेड।
सक्शन हेड क्या होता है, जहां से हमें हमने जो पंप का जो पाइप लगाया है जिस पॉइंट से, और ये पंप का आई है, यहाँ पे आई मतलब जहां पे वाटर को सक किया जाता है, वो दोनों के बीच में जो हाइट होती है उसे हम लोग बोलते हैं सक्शन हाइट। इसको हम एच एस से मतलब डिनोट करते हैं, एच एस से ये होती है सक्शन हाइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिलीवरी हाइट, इसको हम लोग एच डी से हम लोग करते हैं डिनोट। ये क्या होता है, जहां पे आई ऑफ द पंप है उसके बाद जिस पॉइंट पे हमें पंप वाटर को डिलीवर करना है उस दोनों के बीच की जो हाइट है, उस दोनों के बीच की जो हाइट है उसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी हाइट। पंप की आई जहां पे वाटर सक हो रहा है और जहां पे हमें इसे डिलीवर करना है, ये हुआ डिलीवरी हाइट। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हम लोग बोलेंगे स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड नाम इसे इसलिए दिया गया है, वाटर को बस किस हाइट तक मतलब ये लेके जा रहा है उसके कारण। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हेड आता है वो आता है मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है ये देखिए, मैनोमेट्रिक हेड होता है आपका जो हमने जो पहले जो हमने जो मतलब पढ़ा था सक्शन हेड डिलीवरी हेड इस दोनों का सम एच एस प्लस एच डी, हमने एच एस प्लस एच डी कर दिया, ये हो गया सक्शन हेड हो गया, ये डिलीवरी हेड हो गया। अब ये जो पाइप है इसमें कुछ लॉस तो हो रहा होगा फ्रिक्शन के कारण, कुछ फ्रिक्शन इसमें लग रहा होगा उसके कारण कुछ लॉस हो रहा होगा, तो उस लॉस को भी तो इस पंप को ही ना कवर करना होगा, तो उसी कारण ये फ्रिक्शन लॉस एच एफ। और जब ये पानी ये कुछ जब डिलीवर करेगा तो उसके पास इसके पास कुछ मतलब वेलोसिटी होगी, जिस कुछ वेलोसिटी से ये आपका डिलीवर करेगा तो वो वेलोसिटी हेड। तो मैनोमेट्रिक हेड क्या हुआ, मैनोमेट्रिक हेड हुआ जो नेट जो टोटल हेड चाहिए होता है हमें, जो कम से कम जो मिनिमम टोटल हेड हमें चाहिए कि पानी आपका सम से उठ के डिलीवर हो पाए, पानी आपका सम से उठ के डिलीवर हो पाए आइडियल आइडियल नहीं रियल मतलब रियल कंडीशन में, इसलिए रियल कंडीशन क्योंकि इसमें हम लोग फ्रिक्शन भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो मैनोमेट्रिक हेड बेसिकली क्या हो मतलब हो गया, ये हो गया आपका स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड एच एस प्लस एच डी, और जो लॉस एच एफ, और जो वेलोसिटी हेड हो गया, सबका समेशन हो गया, ये मिनिमम हेड हुआ, मतलब इतना ही हेड, इतना हेड तो हमें कम से कम चाहिए ताकि हम पानी को यहां से उठा के यहां पे लेके आ सके। हाँ, अब अगर इसे पानी को डिलीवर करना है तो मैनोमेट्रिक हेड से ज्यादा हेड पंप को चाहिए होता है, इसके बाद ही वो पानी डिलीवर कर पाता है। अब कुछ क्वेश्चंस इस पंप में आप लोग मतलब एग्जाम में पूछते हैं, क्या पंप में कैविटेशन कहाँ पे होता है, मैंने कैविटेशन पंप के इस पॉइंट पे होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कैविटेशन वहीं पे होगा जहां पे प्रेशर बहुत कम होगा, जिस पॉइंट पे प्रेशर बहुत कम होगा वहीं पे कैविटेशन होगा। कैविटेशन का मेन रीजन होता है कम प्रेशर पे पानी बॉयल होने लगता है, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है कैविटेशन के लिए, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कैविटेशन को अभी नहीं बताऊंगा, उसमें आप चैनल पे वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो कैविटेशन कहाँ पे होगा पंप में, कैविटेशन होगा पंप में सक्शन पे, इनलेट पे, जहां पे पंप में पानी घुस रहा है सक्शन पाइप के थ्रू, जिस पॉइंट पे घुस रहा है इस पॉइंट पे मिनिमम प्रेशर होता है, इसीलिए इसी पॉइंट पे आपका कैविटेशन होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है पंप के बारे में, ओके। और जो पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो तो लाइक कीजिए, और कुछ मुझे सजेशंस देने हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आप सजेस्ट कीजिए कि मैं ये चेंजेस अपने वीडियोस में लेके आऊँ। थैंक यू।